स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल SSC ज्ञान सागर में। तो दोस्तों हरियाणा SSC ग्रुप डी के एग्ज़ाम जो कि 11 तारीख को मॉर्निंग में पूछा गया था, वो एक बार क्वेश्चन पेपर आपको रीड करवा देते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर था। तो जैसा कि 10 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, उन्हीं से रिलेटेड सभी क्वेश्चन वही हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगी अगर आपका इवनिंग का एग्ज़ाम है या नेक्स्ट वीक में एग्ज़ाम है। तो क्वेश्चंस वही हैं, थोड़े से चेंज किए गए हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन 44 से हम पूरी इमेज है दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पूरे पिक्सल्स को बढ़ा करके आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। वन बाय वन सभी क्वेश्चन है। जैसे कि 47 का क्वेश्चन आप देखते हैं यहाँ, ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ और मैंने पहले ही बताया था ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। 50 का क्वेश्चन प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ये भी करके जाना है। रीजनिंग 45 का क्वेश्चन, ये भी एज इट इज जो कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है, सेम क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं हम इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश सब्जेक्ट में भी जो प्रेपोजिशंस हैं उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं दो तीन, दो क्वेश्चन आर्टिकल से पूछे गए हैं। हेल्प होगी आपकी एक बार क्वेश्चन पेपर देखने के बाद, तो प्लीज़ आप क्वेश्चन ज़रूर देख कर जाइएगा। तो 39 का क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, तो ये मॉर्निंग शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था उससे बिल्कुल 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 मैच करता है, कुछ भी चेंज नहीं किया है। अगर आप क्वेश्चन पेपर देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपके यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 42 का बिल्कुल आसान क्वेश्चन मैथ का, और हरियाणा जीके की 41 का क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं हरियाणा जीके का जो क्वेश्चन है, ये सब वही क्वेश्चन है जो हमने अभी तक पीछे वीडियो में पढ़ाए हैं। एक हफ्ता है अभी भी आप लोगों के पास, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। 85 का क्वेश्चन हिंदी का, हिंदी का 79 का क्वेश्चन अगर आप चेक करते हैं तो ये बिल्कुल आसान। 27, 75, 37, 92 कैसे लिखा जाएगा, हिंदी में आइडिया हो जाएगा क्या क्या आपको पढ़कर जाना है। उपसर्ग प्रत्यय का चैप्टर पढ़ लीजिएगा। 81 का क्वेश्चन देखते हैं सही वर्तनी स्पेलिंग मिस्टेक से संबंधित है, पर्यायवाची पढ़ने हैं थोड़े बहुत। इनमें एक चीज़ और है देखने की, 82 का क्वेश्चन में बोला कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपको थोड़ा सा नोट करना है। पर्यायवाची देखते ही आंसर पे नहीं जाना है, देखना है कि क्या पूछा है, पर्यायवाची शब्द है या नहीं है। अलंकार का पूछा है 83 का क्वेश्चन, संधि से पूछा गया 85 का क्वेश्चन, इत्यादि में कौन सी संधि है। 90 का टस से मस ना होना मुहावरे, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आइडिया हो जाएगा किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। साइंस के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं अगर हम बात करते हैं साइंस सब्जेक्ट की। ट्वेंटी वन, 22, 23 हिंदी इंग्लिश दोनों में है, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए डाला गया है। वन वीक काफ़ी होता है अगर आप पढ़ करके जाते हैं। 51 का अगर आप क्वेश्चन देखते हैं, तो कल जो मॉर्निंग का एग्ज़ाम था, 10 तारीख का मॉर्निंग का एग्ज़ाम, 10 तारीख का इवनिंग का एग्ज़ाम, क्वेश्चन का पैटर्न सेम रखा गया है। क्वेश्चन वही उस सेम चैप्टर से उठाए गए हैं, थोड़ी सी जो स्टेटमेंट है वो भी बल्कि इवन अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट की, वो भी एज इट इज़ रखी गई है। क्वेश्चन में जो अमाउंट है वो थोड़ा चेंज किया गया है। संख्या नंबर, हरियाणा राज्य में कितनी झीलें हैं, हरियाणा से संबंधित क्वेश्चन। 37 का क्वेश्चन बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है ये, तो क्योंकि आपको पैटर्न पता लग गया है। पहला जो क्वेश्चन था देखते ही लग रहा था क्वेश्चन पेपर देखते ही कि काफ़ी मुश्किल पूछा गया है। एक ये क्वेश्चन, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुना है, ये क्वेश्चन भी सेम चैप्टर से, बस थोड़ा सा नंबर में चेंज किया है। 3 गुना 5 वर्ष पश्चात, बिल्कुल कल जो पेपर था उसी का अकॉर्डिंग सेट किया गया है। तो उम्मीद है आपका जो नेक्स्ट पेपर होगा वो भी कुछ इसी तरीके का होगा। थोड़ी साइंस जी की ही हट करके पूछी गई है, फर्स्ट पेपर थोड़ा मुश्किल इसी वजह से लगता है क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि क्वेश्चन का लेवल इतना हाई रहेगा। ये व्यास क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन अच्छे पूछे गए हैं 2 से 3, तो क्षेत्रफल वाला चैप्टर भी आपको करके जाना है। मैथ में एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है,
तीनों भी जो पेपर हुए हैं तीनों, मॉर्निंग इवनिंग कल के और आज का मॉर्निंग का, इवनिंग में भी उम्मीद है यही आएगा सब। '58 भगवान राम की रावण पर विजय का त्यौहार क्या कहलाता है? 61 प्रकाश का त्यौहार कौन सा है? तो दिवाली का टाइम है, दिवाली से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अगर कुछ क्वेश्चंस की बात करें तो दोस्तों, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको इस क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे और हमने पहले वो वीडियो में कर लिए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? नेक्स्ट जो होगी वो भी वीडियो आपको अपलोड कर दी जाएगी, नेक्स्ट पेपर की भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।